दोस्तों, यूं तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 90 के दशक में निर्देशक टीएलबी प्रसाद के साथ बैक टू बैक ऊटी में कई फिल्मों में काम किया, जो कि तमिलनाडु स्टेट का एक टाउन है। दरअसल इस जगह मिथुन चक्रवर्ती ने 90 के दशक में कई होटल्स बनवाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऊटी में ही बिताने लगे, और इसीलिए इनकी ऊटी फैक्ट्री से कई फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई, जिन्हें ज़्यादातर निर्देशक टीएलबी प्रसाद ने ही निर्देशित किया। तो आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की निर्देशक टीएलबी प्रसाद के साथ सभी फिल्मों के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बात करते हैं 29 जुलाई सन 1994 को रिलीज हुई इनकी पहली फिल्म जनता की अदालत के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था टीएलबी प्रसाद ने, जिसमें कलाकारों के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, सदाशिव अमरापुरकर, असरानी, लक्ष्मी बेर्दे, मधु और आलोक नाथ जैसे कलाकार नजर आए थे। अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 9 लाख रुपए कमाए थे। इस हिसाब से यह फिल्म एक हिट फिल्म मानी गई थी। आइए अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के सन 1994 की दूसरी फिल्म जख्मी सिपाही के बारे में, जिसमें कलाकारों के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती, ओम पुरी, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, गोगा कपूर, पुनीत सर और टीकू तलसानी जैसे कलाकार नजर आए थे, और जिस फिल्म का बजट रखा गया था 1 करोड़ 75 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कुल 2 करोड़ 49 लाख रुपए कमाए थे। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और टीएलबी प्रसाद की अगली फिल्म है जल्लाद, जो कि 15 सितंबर सन 1995 को रिलीज हुई थी, जिसमें कलाकारों के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंभा, शक्ति कपूर, कादिर खान, मौसमी चटर्जी, मधु और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार नजर आए थे। जिस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 75 लाख रुपए और इस फिल्म ने भारत में कुल 4 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे। इस हिसाब से यह फिल्म एक हिट फिल्म मानी गई थी और जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म फेयर के बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया था। और दोस्तों, जब आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में अपने किरदार को कितने शानदार तरीके से जिया है। दूसरे की जन्म कुंडली देखत हो, कभी अपना भी देखा है? हाँ, अपना भी देखा है। का कहती है तोरी जन्म कुंडली, कब तक जिंदा रहोगे? दोस्तों, इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और निर्देशक टीएलबी प्रसाद की अगली फिल्म है जुर्माना, जो कि 6 जनवरी सन 1996 को रिलीज हुई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ रंभा, अश्विनी भावे, किरण कुमार, शक्ति कपूर, रोनित राय और रजा मुराद जैसे कलाकार नजर आए थे। जिस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 25 लाख रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 33 लाख रुपए कमाए थे। इस हिसाब से यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म मानी गई थी। आइए अब बात करते हैं फिल्म मुकद्दर के बारे में, जो कि 12 जुलाई सन 1996 को रिलीज हुई थी, जिसमें स्टार कास्ट के तौर पर मिथुन दा, आयशा जुल्का, पुनीत सर, किरण कुमार, मौसमी चटर्जी और असरानी जैसे कलाकार नजर आए थे। जिस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 70 लाख रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। जिस हिसाब से ये फिल्म एक हिट फिल्म मानी गई थी। भरे मंडप में मैं शिवा के इस मंगल सूत्र को स्वीकार करती हूँ और अपनी मर्जी से शिवा के साथ यहाँ से जा रही हूँ। आइए अब बात करते हैं फिल्म रंगबाज के बारे में, जो कि 25 अक्टूबर सन 1996 को रिलीज हुई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने ट्रिपल रोल निभाया था और इनके अलावा इस फिल्म में दीपक सिकरे, परेश रावल, किरण कुमार, शिल्पा शिरोडकर, कादर खान, मोहन जोशी और रामी रेड्डी जैसे कलाकार नजर आए थे। जिस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 80 लाख रुपए और दोस्तों, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। आइए अब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की अगली फिल्म दानवीर के बारे में, जिसमें रंभा, रोनित राय, गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार नजर आए थे। जिस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए और जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 52 लाख रुपए कमाए थे। जिस हिसाब से यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की अगली फिल्म जोड़ीदार के बारे में, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा क्षमा देश पांडे, आदित्य पंचोली, प्रेम चोपड़ा, पुनीत इसर और जॉनी लीवर जैसे कलाकार नजर आए थे और जिस फिल्म का कुल बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया में 1 करोड़ 94 लाख रुपए कमाए थे। इस हिसाब से यह फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती, दीप्ति भटनागर, किरण कुमार और रजा मुराद स्टारर 28 मार्च सन 1998 की फिल्म कालिया के बारे में, जिस फिल्म का कुल बजट था 2 करोड़ 25 लाख रुपए और जिस फिल्म ने इंडिया में कुल 2 करोड़ 73 लाख रुपए कमाए थे। जिस हिसाब से यह फिल्म एक एवरेज फिल्म ही साबित हो पाई थी। Might be rich,
That doesn't mean you have to behave with human being like this. I'm your servant, not your slave. Do not repeat it again, or I shall have to teach you a better lesson. Okay? आइए अब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की अगली फिल्म सूरज के बारे में, जिसमें हमें नजर आए थे आशा जुल्का, पुनीत इसा, सुरेश ओबेरॉय, रीमा लागू और मोहन जोशी इत्यादि। जिस फिल्म का कुल बजट था 2,25,00,000 रुपए और जिस फिल्म ने इंडिया में कुल 2,51,00,000 रुपए कमाए थे, इस हिसाब से यह फिल्म एक एवरेज फिल्म ही साबित हो पाई थी। आइए दोस्तों अब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती और टीएलबी प्रसाद की अगली फिल्म शेरे हिंदुस्तान के बारे में, जो कि 16 जनवरी सन 1998 को रिलीज हुई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा सांगवी, गुलशन ग्रोवर, पुनीत एसर, तेज सप्रू जैसे कलाकार नजर आए थे और जिस फिल्म का कुल बजट था 2,00,00,000 रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कुल 3,17,00,000 रुपए कमाए थे। इस हिसाब से यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई थी। आइए दोस्तों अब जानते हैं फिल्म चंडाल के बारे में, जो कि 13 मार्च 1998 को रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य कलाकारों के तौर पर मिथुन दास सिन्हा, पुनीत इसर, हेमंत बिरजे, रामी रेड्डी और अवतार गिल जैसे कलाकार नजर आए थे। जिस फिल्म का कुल बजट था 2,00,00,000 रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कुल 3,58,00,000 रुपए कमाए थे। इस हिसाब से ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई थी। अगर बात करें इनकी अगली फिल्म उस्तादों के उस्ताद के बारे में, तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था 20 मार्च 1998 को, जिसका कुल बजट था 2,25,00,000 रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कुल कमाए थे 1,83,00,000 रुपए। जिस हिसाब से ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की अगली फिल्म हत्यारा के बारे में, जो कि 5 जून सन 1998 को रिलीज हुई थी, जिसमें सुमन रंगानाथन, मुकेश ऋषि, रामी रेड्डी और पेंटल जैसे कलाकार नजर आए थे और जिस फिल्म का कुल बजट था 2,00,00,000 रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कुल 1,53,00,000 रुपए कमाए थे। जिस हिसाब से यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। आइए दोस्तों अब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की अगली सन 1998 की फिल्म हिटलर के बारे में, जो कि 15 मई सन 1998 को रिलीज हुई थी, जिसका कुल बजट था 2,25,00,000 रुपए और जिस फिल्म ने भारत में कुल 1,94,00,000 रुपए कमाए थे। फिल्म के बजट और कलेक्शन को देखते हुए यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों क्या आपने ये फिल्म देखी है, हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बात करें अगर इनकी अगली फिल्म दो नंबरी के बारे में, तो इस फिल्म का कुल बजट था 1,75,00,000 रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,76,00,000 रुपए कमाए थे। जिस हिसाब से ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। आइए अब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती और डायरेक्टर टीएलबी प्रसाद की अगली फिल्म देवता के बारे में, जिस फिल्म में मिथुन दा के अलावा आदित्य पंचोली, पायल मल्होत्रा, किरण कुमार और तेज सप्रू जैसे कलाकार नजर आए थे। अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इसका कुल बजट रखा गया था 2,00,00,000 रुपए और इस फिल्म ने भारत में कुल 1,15,00,000 रुपए कमाए थे। इस हिसाब से ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों इसके बाद 1 जनवरी सन 1999 को मिथुन दा की अगली फिल्म सिकंदर सड़क्का रिलीज हुई, जिसमें कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, मोनिका बेदी, शक्ति कपूर, कादर खान और सपना सप्रू, जिसका बजट था 2,00,00,000 रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1,15,00,000 रुपए कमाए थे। आइए अब अंत में जानते हैं मिथुन दा की अगली फिल्म गंगा की कसम के बारे में, जिसमें कलाकारों के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, दीप्ति भटनागर, दलीप ताहिल, रजा मुराद, मिंक बरार और जॉनी लीवर जैसे कलाकार नजर आए थे। जिस फिल्म का कुल बजट था 2,25,00,000 रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1,50,00,000 रुपए कमाए थे। जिस हिसाब से ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों ये थी मिथुन चक्रवर्ती और डायरेक्टर टीएलबी प्रसाद की एक साथ में 19 फिल्मों के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी। वैसे तो इन दोनों ने एक साथ में तकरीबन 35 फिल्मों में काम किया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ 19 फिल्मों को ही शामिल किया है। इसके बाद बाकी बची हुई फिल्मों के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी कल के वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको हमारी आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।